हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। क्या कर रहे हो अभी तक, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन की वीडियोस मिलती रहेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी कीड़ों से भरी गुफा में फंस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही है हमारी आज की मूवी में, जिसका नाम है द लैबरिंथ। मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसका एक्सीडेंट हो गया होता है और वह एक गुफा में गिर गई होती है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं और वह सभी लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से ट्रेन के ड्राइवर के पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और वह दर्द से चिल्लाने लग जाता है। इसलिए बाकी लोग जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और जब वह उस आदमी की शर्ट उतार कर देखते हैं तो उसके पूरे शरीर में कीड़े होते हैं। उसके बाद उस पूरी जगह पर कीड़े आने लगते हैं। फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमें ट्रेन के एक्सीडेंट की कहानी के बारे में बताया जाता है। फिर हम उसी ट्रेन को देख पाते हैं, वह बिल्कुल ठीक होती है। उस ट्रेन में चैंग पेंसो और टी टीना भी होते हैं, यह इस मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं। उसके बाद हमें कहानी के दो और कैरेक्टर स्टूडेंट और स्टूडेंट गर्ल को दिखाया जाता है। उसके बाद हम ब्रदर टाओ के भाई को देख पाते हैं, वह ट्रेन में बैठे एक वर्कर को खाना खाने से मना कर रहा होता है। उस वर्कर का नाम मोडाली होता है। यह सभी लोग इस ट्रेन में मजे से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी जिंदगी आज पूरी तरह से बदलने वाली है। उसके बाद ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि सामने पटरियों पर बहुत सारी चट्टानें गिरने लगी है, इसलिए वह जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है और जिसके कारण ट्रेन में सभी लोग गिरने लग जाते हैं। और इसी बीच हम फिल्म के एक और मेन कैरेक्टर गाओ फाओ को देख पाते हैं। उसके बाद ट्रेन के रुकने के कारण सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक से ट्रेन का दरवाजा खुल जाता है और एक आदमी नीचे बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। गाओ फाओ भी गड्ढे को ध्यान से देखता है और उसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा था। उसके बाद तभी अचानक से ट्रेन के नीचे की जमीन भी टूट जाती है और ट्रेन के साथ सभी लोग नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। और यह मूवी का वही सीन है जो हमें शुरू में दिखाया गया था। उसके बाद सभी लोग ट्रेन से निकलकर एक पत्थर के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं और उन्हें देखकर वह भागने लगते हैं। भागते भागते ब्रदर टाव और उसके भाई को एक बंद दरवाजा मिलता है और वह दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह दरवाजा खुल नहीं रहा होता है। उसके बाद कुछ और लोग आकर उनकी मदद करते हैं जिसके कारण दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और जिसके कारण वह कीड़ों से बच जाते हैं। फिर हमें दोबारा से ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और वहां पर हम कीड़ों के राजा को देख पाते हैं, वह भी इन लोगों का पीछा करने लग जाता है। उसके बाद सभी लोग भागकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर गाँव फाव कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। फिर सभी लोग उस जगह पर काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। उस जगह पर ब्रदर टाओ और उसके भाई को कुछ बंदूकें भी मिलती हैं, लेकिन वह सभी बंदूकें एकदम रद्दी कबाड़ होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती हैं। उसके बाद गाँव फाव को एक जनरेटर मिलता है, लेकिन वह खराब होता है। तभी उस जगह पर मोडाली भी आ जाता है और गाँव फाव उससे पूछता है कि क्या तुम इस जनरेटर को ठीक कर सकते हो। इस पर मोडाली कहता है कि यह जनरेटर तो मैं ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर ब्रदर टाओ का भाई भी आ जाता है और वह मोडाली से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे ट्रेन में बदसलूकी की थी, और मोडाली उसे माफ कर देता है और उसे खाने के लिए भी देता है। थोड़ी देर बाद मोडाली जनरेटर ठीक कर देता है और फिर वह सभी मिलकर जनरेटर को चालू करते हैं और पूरी जगह पर रोशनी आ जाती है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी चैंग पैंग देखता है कि वहां पर कीड़ों का राजा आ चुका है और उसे देखकर वह डर जाता है। फिर कीड़ों का राजा टिन टीना को उठाकर दूर फेंक देता है और उस जगह पर एक बार फिर से बहुत सारे कीड़े आने लग जाते हैं और एक बार फिर से इंसान और कीड़ों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच चैंग पैंग को एक दरवाजा मिलता है और वह उस दरवाजे को खोल देता है और सारे लोग उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी एक कीड़ा स्टूडेंट और स्टूडेंट गर्ल को देख लेता है। फिर स्टूडेंट गर्ल को बचाने के लिए स्टूडेंट उसको धक्का मार देता है और वह दरवाजे के अंदर चली जाती है, लेकिन स्टूडेंट को कीड़ा पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ गाओ फाओ, ब्रदर टाओ और हांग जियाओ को कीड़े चारों तरफ से घेर लेते हैं और वह सभी एक घेरा बनाकर उन कीड़ों से लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चैंग पैंग, स्टूडेंट गर्ल
और बाकी बचे हुए लोग एक गुफा के रास्ते भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से चैंग पैंग रुक जाता है क्योंकि उसके सामने टिनटिना खड़ी होती है, लेकिन वह हिल नहीं रही होती है। फिर चैंग पैंग टिनटिना के पास जाकर रोने लग जाता है, लेकिन टिनटिना तो पहले ही मर चुकी होती है और उसके शरीर के अंदर काफी सारे कीड़े होते हैं। फिर वह कीड़े चैंग पैंग के शरीर के अंदर भी घुस जाते हैं और वह कीड़े उसे भी मार डालते हैं। यह देखकर बाकी बचे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर आगे जाकर स्टूडेंट गर्ल के साथ भाग रही लड़की को एक कीड़ा पकड़ लेता है और उसे भी जान से मार डालता है। और अब इस भयानक गुफा में स्टूडेंट गर्ल अकेली रह गई थी और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था और उसे भी कीड़े बेरहमी से मार डालते हैं। दूसरी तरफ ब्रदर टाओ और बाकी बचे हुए लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर हम मोडाली को देख पाते हैं, उसके साथ एक घायल आदमी और एक लड़की भी होती है। फिर वह लोग उस घायल आदमी को टेबल पर लिटा देते हैं और वह लड़की उसका इलाज करने लगती है। उसके बाद हम ब्रदर टाओ और बाकी बचे हुए लोगों को देख पाते हैं। ब्रदर टाओ अपने भाई को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है क्योंकि वह बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। तभी उस जगह पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वह सभी लोग एक पिंजरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसके बाद गाँव फाई को डीजल के टैंकर नजर आते हैं और वह एक प्लान बनाता है। फिर वह ब्रदर टाओ को कहता है कि मैं इन कीड़ों को लालच देकर अंदर बुलाऊंगा और तुम लोग इसका फायदा उठाकर बाहर निकल जाना और फिर मैं भी बाहर आकर दरवाजा बंद कर दूंगा और फिर हम इन कीड़ों को अंदर ही आग लगाकर पूरी तरह से भून देंगे। फिर सभी लोग प्लान के मुताबिक काम करते हैं और उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वह लोग पिंजरे के अंदर डीजल डालकर उन कीड़ों को जिंदा ही जलाने लग जाते हैं। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वह घायल आदमी खून ज्यादा बहने की वजह से मारा जाता है और वह लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने भी लग जाती है। और मोडाली उसे समझाता है कि भैया तो पहले ही जा चुके हैं। दूसरी तरफ ब्रदर टाओ के पास कीड़ों का राजा आ जाता है और वह ब्रदर टाओ और उसके भाई पर हमला कर देता है। उस कीड़े के पास दो सिर होते हैं। उसके बाद कीड़ों का एक सिर ब्रदर टाओ पर हमला करता है, लेकिन वह उस हमले से बच जाता है। लेकिन तभी कीड़े का दूसरा सिर ब्रदर टाओ को पकड़कर खा जाता है और यह देखकर उसका भाई रोने लग जाता है और घाव फाई उसको वहां से बाहर निकालता है। उसके बाद घाव फाई और बाकी सब भागकर मोडाली के पास आ जाते हैं और वह उन कीड़ों को मारने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं। और उस जगह पर हाउंग सियाओ को एक किताब भी मिलती है। उस किताब में उन कीड़ों के बनाने के बारे में रिसर्च की होती है और उसमें लिखा होता है कि यह जगह एक लैब होती थी पहले, इसी जगह पर इन कीड़ों को बनाया गया था। इन कीड़ों को बनाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक दिन उस जगह पर दो इंसानों को लेकर आए, लेकिन तभी कीड़े वैज्ञानिकों पर हमला करने लगे और उसका फायदा उठाकर वह दोनों लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वह दोनों लोग एक कमरे में आते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए वह लड़का अपनी लाइटर जलाकर आगे देखने लग जाता है। फिर वह एक शीशे के डिब्बे में देखता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं और इसी के साथ यह फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद गाँव फाई को एक जगह मिलती है। उस जगह पर कीड़ों के बहुत सारे अंडे होते हैं और वह सभी लोग उस जगह पर डीजल छिड़क कर उन अंडों को तबाह कर देते हैं। फिर वह सभी लोग ट्रेन के पास आते हैं और वहां पर जाल बिछाने लगते हैं और छुप कर उस कीड़े के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहां पर कीड़ों का राजा आ जाता है और वह गाफाई और ब्रदर टाओ के भाई पर हमला कर देता है। फिर वह दोनों मिलकर उस कीड़े को उस ट्रेन के अंदर फंसा देते हैं और कीड़ों का राजा उस ट्रेन के अंदर फंस जाता है और बाकी बचे हुए लोग उस कीड़े को बाहर से मारने लग जाते हैं और वह उस कीड़े को हाई वोल्टेज का झटका भी देते हैं, जिसके कारण कीड़े का एक सिर मारा जाता है, लेकिन कीड़े का एक हिस्सा बच जाता है और वह गाँव फाई पर हमला कर देता है। लेकिन हंस या कीड़े के ऊपर गोली चलाकर गाँव फाई को बचा लेती है, लेकिन वह कीड़ा हांसियाओ पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। यह देखकर जिया डिया को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वह कीड़े पर आरी से हमला कर देती है, लेकिन कीड़ा उसे मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर वह कीड़ा उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने ब्रदर टाओ का भाई आ जाता है और वह ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और जैसे ही कीड़ा उसे खाता है तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और ब्रदर टाओ के भाई के साथ वह कीड़ा भी मारा जाता है और उस कीड़े के पेट में से हांसियाओ सही सलामत बाहर आ जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।